नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर मिला है और इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी में शामिल नहीं होने पर उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया ईडी अब उनके साथ साथ सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार कर सकती है। आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि बीजेपी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी के माध्यम से मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का अप्रोच किया है और मुझे कहा गया है कि या तो मैं बीजेपी ज्वाइन करके अपना पॉलिटिकल करियर बना लूं, नहीं तो एक महीने में ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले एक महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी के आरोपों पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं भी इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा सकता हूं और मैं भी कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज मुझे फोन किया है और मुझसे अनुरोध किया है कि मैं उन्हें अरविंद केजरीवाल से बचा लूं जो उन्हें सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं और सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाना चाहते हैं। ये उनका आंतरिक झगड़ा है जो बार बार अलग अलग तरीकों से सामने आ रहा है। सच्चाई ये है कि कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में जिनके भी नाम शामिल हैं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह स्पष्ट है कि आप में सीएम पद के लिए लड़ाई शुरू हो गई है और एक तरफ सौरभ भारद्वाज हैं और आतिशी हैं, दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे निराधार आरोप तो मैं भी लगा सकता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि सौरभ भारद्वाज का मुझे फोन आया था, उसने कहा था कि आप कृपा करके हमारी जान बचाइए, केजरीवाल से ये हमारे को जेल में डलवाना चाहता है, ये अब हमारा नाम ले रहा है क्योंकि वह चाहता है कि हमारी जगह जो मौका मेरा है आज मुख्यमंत्री बनने का, उन मेरी जगह वह सुनीता भाभी को, सुनीता केजरीवाल को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। असल में इनकी अंदरूनी खींचतान है जो कि ये बार बार अलग अलग ढंग से प्रकट हो रही है। हकीकत यह है कि जिसका नाम है पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे दुर्गेश पाठक का नाम पेज नंबर 25 रिमांड नोट पर है, उससे जांच की जाएगी। अब वो जांच के अंदर ठीक उत्तर देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, अगर नहीं ठीक उत्तर देंगे उनके खिलाफ जो संवैधानिक कार्रवाई होगी। परंतु ये स्पष्ट हो गया कि ये आज मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई आम आदमी पार्टी में शुरू हो गई। सौरभ भारद्वाज आतिशी एक तरफ है और सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल एक तरफ है। और आप नेता आतिशी बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। इस दावे को लेकर बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील नलिनी कोहली का अहम बयान सामने आया। उनका कहना है कि आतिशी को चिंता हो रही है कि ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पकड़ लिया है और अगर ऐसा है तो उनके ही नेता उन पर उंगली उठा रहे हैं। उनके दो सहयोगी और अन्य मंत्री पहले से ही जेल में हैं, उन्होंने पहले ही उनका इस्तीफा ले लिया है। शायद उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि इन मंत्रियों को हटाने के लिए कुछ अन्य योजनाएं मन में है।
तो आपको बता दें कि आतिशी के बयान को लेकर अब सियासत तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और बीजेपी आतिशी के लगाए गए आरोपों का खंडन कर रही है। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि आतिशी ने जो आरोप लगाए हैं कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया वो बेबुनियाद बयान है। आप नेता आतिशी के इस दावे पर कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उनके सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, शराब घोटाले में अहम भूमिका निभाने वाले नायर उन्हें रिपोर्ट करते थे। अगर इस पूरे घोटाले का सरगना कह रहा है कि ये लोग शामिल है तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए। दिल्ली अच्छी तरह समझ रही है, एक अंग्रेजी में कहावत है कि थीव्स हैज बीन एक्सपोज्ड, जितने चोर हैं उनके पर्दे खुल चुके हैं। आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई मैं अंदर जा रहा हूं तो ये लोगों को भी जाना चाहिए, क्योंकि विजय नायर इन लोगों को रिपोर्ट करता था। अब इसमें बीजेपी कहां आती है? दूसरी बात कि जब आपके मुखिया ने आपको शराब घोटाले में लिप्त कर दिया, उन्होंने कोर्ट में जाके इशारा कर दिया, अब उससे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है कि विजय नायर जो शराब घोटाले में एक प्रमुख कारक है वो हमसे पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। ऑफकोर्स जब किंग पिन कह रहा है, इस पूरे घोटाले का सरगना कह रहा है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, इनको रिपोर्ट करते थे, इनसे पूछताछ होनी चाहिए। दिल्ली और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से बीजेपी पर तमाम निशाने साधे और बीजेपी पर हमला बोला। आप नेता ने कहा कि आज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको ये बताया कि बीजेपी के तरफ से उनको ऑफर दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी छोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया करियर बना लोगे। भारद्वाज ने कहा कि अब जो बात सामने आ रही है कि चार लोगों को अंदर किया जा सकता है, उनकी पार्टी अभी भी चल रही है और अब ये और चार लोगों को जेल में डालना चाहते हैं। अगला नंबर आतिशी जी का है, फिर राघव चड्डा का है और फिर सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक का है। आपको याद होगा 31 मार्च की रैली से पहले इसी जगह पे मैं, गोपाल राय जी, जैस्मीन, आप सब पत्रकार साथियों के साथ बैठे थे, चर्चा चल रही थी, प्रिंट के साथी भी थे, टीवी के साथी भी थे और उस चर्चा के अंदर हमारे पत्रकार साथियों में एक शंका थी। वो शंका उनकी नहीं थी, वो शंका लोगों की थी जो उनके माध्यम से उस दिन कई बार आई। शंका थी कि क्या अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद, जब पार्टी में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, संजय सिंह जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं और मुख्यमंत्री और पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, क्या इस रैली में लोग आएंगे? क्या लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी पे है? क्या आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है या चरमरा के गिर गया, जैसा बार बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है? और ये शंका हमारे पत्रकार साथियों की बिल्कुल सही थी, शंका होनी चाहिए। मगर जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पार्टी के जितने सीनियर थे सब तो अंदर चले गए। मैं हूं, आतिशी है, दुर्गेश है, संदीप पाठक हैं। हम लोगों ने फोन कर करके इन नेताओं को कहा कि प्लीज आप आइए, हमारे नेता जेल में हैं, हम दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं।
तो आपको बता दें कि लगातार शराब घोटाले को लेकर एक तरफ जांच, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। पहले आतिशी की तरफ से तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए गए और उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ बयानबाजी को लेकर सियासत, दिल्ली की सियासत तेज हो चुकी है। और अब ये भी कहा जा रहा है आतिशी ने, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी से उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया गया है, और जिसको लेकर अब सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उनका आरोप है कि पहले अगर आतिशी बीजेपी ज्वाइन नहीं करती तो पहले आतिशी का नंबर आएगा और उसके बाद सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा, ये चार नाम उन्होंने गिनाए हैं जिनके ऊपर शिकंजा कस सकता है, जिसको लेकर उन्हें उनके तरफ से तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी खत्म करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उनका आरोप ये भी है कि अब चार नेता पार्टी को चला रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी नए पैतरे आजमा रही है। ये आरोप सौरभ भारद्वाज और आतिशी के तरफ से लगाए गए हैं। दरअसल कल कोर्ट में सौरभ भारद्वाज और आतिशी का जिक्र किया गया कि जो विजय नायर है वो केजरीवाल को नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, जिसको लेकर अब उम्मीदें और आशंका ये भी जताई जा रही है कि ईडी की जो जांच है शराब घोटाले को लेकर, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर उसकी जांच की आंच आ सकती है। और यही वजह मानी जा रही है, बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं, इस घोटाले में शामिल हैं, उसके उसको लेकर जाँच की जाएगी और उसका भी नाम आएगा। दिल्ली की राजपुर रोड सिविल लाइन पर सबसे मशहूर फतेहचंद कचौड़ी वाले के दुकान में अचानक से एक तेज रफ्तार कार घुस गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कचौड़ी के दुकान में ये कार घुसती है जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है दिल्ली में। सबसे मशहूर दुकान है कचौड़ी की और वहां पर यह तेज रफ्तार कार घुसती है जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। तो ये तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक कार तेज रफ्तार में आती है और कचौड़ी की दुकान में तेज रफ्तार में घुसती है जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस फुटेज में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार कितनी तेज रफ्तार में थी कि वो कंट्रोल नहीं हुई और इस दुकान में घुसती है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। फिलहाल जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी 6 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है, और जो कार ड्राइवर था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। तेज रफ्तार एक कार कचौड़ी की दुकान में घुसती है और वहां खड़े 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है और इस भीषण हादसे का, जो तेज रफ्तार का कहर है, एक मर्सिडीज कार आती है तेज रफ्तार पे और कचौड़ी की दुकान में तेज रफ्तार से घुसती है, वहां खड़े 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और जो कार ड्राइवर था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। तस्वीर कितनी खतरनाक है, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार का कहर दिल्ली में देखने को मिला है, जहां पर कचौड़ी की दुकान में एक तेज रफ्तार कार घुसती है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने भतीजे प्रिंस राज के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। जेपी नड्डा ने मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर शेयर की है और लिखा है कि एनडीए में हमारे सहयोगी और रालोचपा के प्रमुख पशुपति पारस
ने से नई दिल्ली में आवास पर मुलाकात हुई है। एनडीए सदस्य के नाते पशुपति जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अच्छे काम किए हैं। आने वाले चुनाव में हमारा गठबंधन मजबूती से बना रहेगा और उनकी पार्टी बिहार में एनडीए के सभी 40 उम्मीदवारों का पूर्ण समर्थन करेगी, साथ ही उनकी जीत सुनिश्चित करने में हर संभव सहयोग भी देगी। और पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद एमडी आचार्य बालकृष्ण शीर्ष अदालत पहुंचे और इस दौरान अदालत ने दोनों को फटकार लगाई और कहा कि आपको इस मामले में हलफनामा दायर करना चाहिए था। साथ ही आदेश दिया कि अगली सुनवाई 10 अप्रैल को की जाएगी। तो आपको बता दें कि आयुर्वेद कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्णम को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और इस पूरे मामले पर सुनवाई की गई। और आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि मामले में पेश दोनों का हलफनामा कहाँ है, ये प्रश्न किया गया और इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि दोनों ने माफी मांग ली है और दोनों कोर्ट में हाजिर हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह अदालती कार्रवाई है और इसे हल्के में ना लिया जाए और हम आपकी माफी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई हुई, लेकिन कुछ दिन पहले रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी भी मांगी गई थी, जिसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि माफी स्वीकार नहीं की जाएगी और ये कोर्ट की कार्रवाई है, इसको हल्के में ना लिया जाए। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों लोग मौजूद थे। इस दौरान कोर्ट की तरफ से दोनों को फटकार भी लगाई गई और कहा गया कि ये कोर्ट की कार्रवाई है, जो हलफनामा दायर करना चाहिए था वो कहाँ है, ये सवाल भी किया गया और पूरे मामले की को लेकर कहा गया है कि ये माफी स्वीकार नहीं की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज बानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, रामदेव और बालकृष्ण दोनों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई और कहा गया कि माफी जो मांगी गई है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। पंकज, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने युवा स्वाभिमान पार्टी के रवि राणा से अनुरोध किया है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। वहीं उन्होंने बताया कि महायुति के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द की जाएगी। 4-5 सीटों पर चर्चा चल रही है और हमें एक दूसरे पर भरोसा करके फैसला लेना चाहिए। तो आपको बता दें कि महायुति के उम्मीदवारों को लेकर जल्द घोषणा की जाएगी। चंद्रशेखर बावनकुले ने रवि से अनुरोध किया है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के कोपर खैरन MIDC इलाके में भीषण आग लग गई। यहाँ के नव भारत नामक केमिकल कंपनी में यह भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग काफी भीषण बताई जा रही है, जिसकी वजह से आसपास की कंपनियां भी आग की चपेट में आ रही हैं। तो आग लगने की भीषण जानकारी, तो आपको बता दें एक खबर सामने आई है जहां पर आग लगी है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है, जिसको बुझाने की कड़ी मशक्कत लगातार की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग लगी है और आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इस आग की वजह से जो आसपास की फैक्ट्री है वो भी आग की चपेट में आ रही है और आग बुझाने की कड़ी मशक्कत लगातार की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी विकराल आग लगी है। देखते ही देखते आग विकराल होती जा रही है। MIDC इलाके में ये भीषण आग लगी है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है, जिसको बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, कड़ी मशक्कत की जा रही है। ये
MIDC इलाके में भीषण आग लगी है और जिसको बुझाने की कोशिश लगातार फायर ब्रिगेड की तरफ से की जा रही है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और यह आग बुझाने की कोशिश दमकल विभाग की तरफ से की जा रही है, लेकिन आग इतनी विकराल है कि आसपास की फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले रही है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, MIDC इलाके में भीषण आग लग गई है और आग देखते ही देखते आसपास की कंपनियों को फैक्ट्रियों को अपने चपेट में ले रही है, लेकिन आग बुझाने के लिए लगातार दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू का पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। आसपास की जो फैक्ट्री हैं उनमें भी आग की आँच पहुँच रही है और वो भी आग की चपेट में आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन लगातार आग बुझाने की कोशिश दमकल विभाग की तरफ से की जा रही है। तमाम गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी हैं, दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की कोशिश लगातार दमकल विभाग की तरफ से की जा रही है। देखते ही देखते आग विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी विकराल है और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया है। लगातार आग को बुझाने की कोशिश दमकल विभाग की तरफ से की जा रही है, लेकिन आग इतनी विकराल है कि आसपास की जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, उनको भी अपनी चपेट में लेती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। MIDC इलाके में भीषण आग लगी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी सिंह, ये भीषण आग लगी है, क्या वजह रही आग लगने की? अगर अभी बात की जाए, क्या तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, आग पर बुझाने की कोशिश कैसे की जा रही है, कितनी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है? मुरारी जी बिल्कुल आ रहा, मुंबई से सटे न्यू मुंबई के कोपर खैराना MIDC का ये मामला है, जहां पर नवभारत नामक केमिकल कंपनी में जो है कि ट्रक से केमिकल जा रहा था, उस दरमियान लीकेज पर आग लगी। फायर ब्रिगेड की 5 से 7 गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची है। लगभग 1.25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन केमिकल होने की वजह से आग काबू में नहीं आ रही थी। लगातार फायर ब्रिगेड की तरफ से उनके जवान जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि जो आसपास की कंपनियां हैं कम से कम उन्हें बचाया जाए, और लगातार कोशिश जारी थी। काफी मशक्कत के बाद जो है अब थोड़ी सी आग जो है वो कंट्रोल में आई है और आसपास की और भी 2 से 4 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की बुलाई गई हैं। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन सवाल ये है कि आग जितनी भीषण है, देख के भी विकराल तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन लोग अंदर हैं या नहीं है? अगर हैं, क्या उन्हें बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया, कोई ऐसी जानकारी मुरारी? आर्या देखिए, बड़ी बात इस घटना में रही कि जो आग लगी थी वो रोड और मुख्य द्वार पर लगी थी, इसलिए जो कर्मचारी थे फैक्ट्री के अंदर वो पीछे के रास्ते से और दूसरी कंपनी जो आसपास की थी उसके जरिए वो समय रहते बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि फायर ब्रिगेड या पुलिस या स्थानीय कंपनी के लोगों से नहीं मिल पाई है। और जिस तरीके से धुएं का गुब्बार देखा जा रहा है, जिस तरीके से आग की स्थिति है, ऐसे में जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है कुछ भी कह पाना मुश्किल है। कि फायर ब्रिगेड के जवान ने जिस तरीके से यहाँ पर चुस्ती दिखाई है और आग को कंट्रोल में किया है, एक कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा बचाया है। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, जैसा कि अभी आपने बताया कि 1.25 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन अभी आग पर उस तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। सवाल ये कि आसपास की फैक्ट्रियों को, कंपनियों को कैसे इस आग से बचाया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, दमकल विभाग की गाड़ियां कितनी पहुंच रही हैं? अगर आग पर काबू नहीं हो पा रहा है तो क्या और गाड़ियों को बुलाया गया है, कोई ऐसी जानकारी मुरारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने पहले कहा कि 5 गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची थी, लेकिन उन्हें लगा कि वो आग पर काबू नहीं पा पाएंगे, उसके बाद कोपर खैराना के अलावा वासी जो मेन न्यू मुंबई का मुख्य फायर ब्रांच है वहां पर सूचना दी है। वहां से 5 से 7 फायर और दमकल की गाड़ी जो है वो रवाना हो चुकी है, थोड़ी देर पर वो पहुंचने की गुंजाइश बताई जा रही है। लेकिन आग जिस तरीके से लगी है, सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि मुख्य द्वार को आग पर कंट्रोल किया जाए और अंदर जाया जाए, ताकि अंदर अगर कोई है तो उसे कैसे बाहर निकाला जाए। इसके लिए फायर ब्रिगेड की सबसे ज्यादा कोशिश है कि जो कंपनी का मुख्य द्वार है उसे किसी तरीके से आग को बुझाया, ठंडा किया जाए और जो जवान है वो अंदर जा सके।
बिल्कुल मुरारी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस हिसाब से ये केमिकल फैक्ट्री है, अंदर कितने लोग थे, कितने कर्मचारी अंदर थे, और क्या जो लोग अंदर थे उनको जो पीछे गेट से आपने बताया कि पीछे गेट से निकालने की कोशिश की गई, क्या वो सभी बाहर निकल आए, कोई ऐसी आधिकारिक सूचना दी गई हो, और इसमें कितने लोग काम करते थे, कितने लोग थे फैक्ट्री के अंदर, कोई जानकारी? देखिए आर्या, आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान जो है नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि 100 से ज्यादा जो मजदूर थे उस केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे, और तकरीबन सुबह 7 से लेकर के कंपनी रात शाम 7 बजे तक चलती थी। जानकारी है कि वॉचमैन और कुछ लोग भी वहां रहते थे। हालांकि ये जानकारी जो मजदूर बाहर निकले हैं काम करने वाले, उनका ये कहना है कि नहीं, जो लोग हैं वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है कि अंदर कितने लोग थे और उन्हें क्या बाहर निकाल लिया गया है या कुछ लोग फंसे हुए हैं। जिस तरीके से आग की लपटें देखी जा रही है, आग देखी जा रही है, कोशिश यही है इन लोगों की आग बुझाया जाए, अंदर जाया जाए, ताकि हालात क्या हैं वो देखा जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।